जो आप कारीगरों को बढ़ावा दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है. सो वेरी गुड पर्पस ड्रिवन ब्रांड. थैंक यू. मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके टोटल SKUs कितने हैं और कितना परसेंट सेल्स आपका एयरपोर्ट विच इज ऑफलाइन और ऑनलाइन से आता है और इसके बारे में आप सोचते कैसे हैं. हमारे पास सब मिला के अराउंड 6000 SKUs है. अभी 4 एयरपोर्ट और ऑनलाइन मिला के लास्ट मंथ का रेवेन्यू 1 crore था. अब 1 crore में से 78 lakhs was closely from our retail and बाकी जो portion था वो digital से था. आपके पास इसके पहले कोई investor है चुका है कि we are the first investors? 2019 we raised our first round of funding. कितना raise किया आपने? 1.25 crore. At valuation? And at a valuation of 6.5 crore. उस time revenue क्या था आपका? Sir, उस time revenue महीने का कुछ 4 to 5 lakh के आसपास था. 4 to 5 lakh. फिर हम लोगों ने 2020 में अगस्त में फिर से रेस किया. अरे बाप रे. उस time we raised 2.5 crore. 2.5 crore. जहाँ तक मैं ये काम को समझता हूँ, इसमें दो different level है. एक तो है बहुत से लोग ये छोटी-छोटी businesses कर रहे हैं handicrafts का. और फिर एक तो कंपनियां ऐसी है, वन इज लाइक बॉम्बे स्टोर है और एक दूसरी एक कंपनी है जो अभी पब्लिक गई है, फैब इंडिया. तो ये काम वो स्केल पे भी किया जा सकता है, राइट? आपके अप्रोच में ऐसा क्या है कि आप वहां तक पहुंचेंगे? एक तो ये B2B वाला सेक्शन है. हाँ, फिर है जो हम लोग अपने खुद के वेबसाइट से जो बेचते हैं. And then we have corporate gifting. Airports we are targeting because when COVID happened, बहुत concessioners निकल गए airport से. हम इस time पे अगर घुसते हैं और limited लोग fly कर रहे थे, उसमें अगर हम revenue ला सकते हैं and the numbers will constantly grow from here. नहीं नहीं, इसमें एक बात है. अभी festive season था, तब जाके 1 crore का sale हुआ because gifting was very big. हाँ sir. इसके बिना आपको लगता है 1 crore maintain होगा? सर उससे ज्यादा मेंटेन होगा. नंबर्स भी एक प्लेटफॉर्म होता है. आज अगर मार्केट पूरा खुल गया, अगर आप फुल कैपेसिटी में जाएंगे, भी हमारा पास तो 4 एयरपोर्ट है. आज अराउंड 10:30 बजे और एक एयरपोर्ट कंफर्म हुआ, टेंडर हम जीत गए. कांग्रेचुलेशंस. फैंटास्टिक. और हर एयरपोर्ट प्रॉफिटेबल है 100%. डे 1 से बिजनेस गारंटी है. वेरी नाइस. 11 एयरपोर्ट से हमारा बात चल रही है. तो इन द नेक्स्ट one and a half मंथ वी शुड. आईड लाइक टू इंटरप्ट यू क्योंकि मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगा. मैं पैसिव इन्वेस्टर नहीं बनूंगी. मैं आपको बहुत सारे मेरे नेटवर्क्स, टाइम, एक्सपर्टीज दूंगी. तो मेरा ऑफर है 65 lakhs बट फॉर 5% इक्विटी फॉर मी टू फील कि मेरा स्किन इन द गेम है. ये बहुत नेशनलिस्टिक पर्पस है. दो मी एंड माई हस्बैंड हम बहुत ही सक्सेसफुल थे इन द US इन आर जॉब्स, लेकिन हम इंडिया आए बिकॉज ऑफ अ सर्टेन नेशनलिस्टिक फीलिंग. और आप में भी मुझे वो ही दिख रहा है. तो आई थिंक काफी सारा कोइंसिडेंसेस और डेस्टिनी अगर आप बोलना चाहें. ओनली लैक ऑफ कोइंसिडेंसेस 13 crore वर्सेस 65 crore. बट लाइक लेट मी टेल यू, आपको दूसरे इन्वेस्टर्स जो मिलेंगे वो पैसिव मिलेंगे. ये क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, एकदम जस्ट फिनिश था. आप अपना प्लान बता रहे थे, हाउ यू आर गोइंग टू बिकम वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स. तो उसका अप्रोच और प्लान. बट प्लान बताने से पहले प्लीज याद रखिए, आपको किसी ने ऑफर दिया है तो कितना कन्विक्शन है आपके सोच और आपके पैशन में. तो डिसीजन बनाने से पहले वो जरूर आप याद रखिए, उसके बाद आपको जो बोलना है बोलिए. आई एम क्वाइट नाउ. ऑफर आपके लिए नहीं मिला है, ऑफर मिला है आपके आंकड़ों के लिए. कितने मटेरियलिस्टिक नंबर्स ड्रिवन लोग हैं यहाँ देखो. मेरे जैसे नहीं है. मैं दिल से सोचती हूँ. हम साफ बात करते हैं, उल्टी सीधी बात नहीं करते. बस मैं उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ. प्लान बताइए क्योंकि मुझे उसमें दिलचस्पी है, आप में दिलचस्पी है. Once this airport game is done, we have slowly started coming into mall stores as well. We have not started. We are yet to start with Sarat City Capital. So Hyderabad में. हाँ. Lovely mall. पहला mall है जिसमें हम वो 200 square feet का concept try करने वाले हैं. आगे चल के कपड़े और furniture वगैरह भी करोगे? कपड़े is something which we hope to do in next 5 years. क्योंकि scalable अगर बनाना है तो ये कारीगरी के beyond जाना पड़ेगा. Yes, sir. It has to be that omnipresent brand which will not only sell this. It has to has fragrance. It has to has clothes. It has to has spices. So home and living. Yes. Home and living. 1 crore में profit कितना है आपका? जो last month किया था
सर लास्ट मंथ में करीबन 12 से 13 लाख का वी आर नेट बचा था। नेट बचा है। नेट तो इतना हंसे क्यों आप? हम लोग एक्चुअली और एक सॉरी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग पीछे दैट शार्क से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। मैंने बोला था नहीं पूछेंगे, ये बोला था जरूर पूछेंगे। शार्क टैंक पे आए हो, शार्क मच्छी तो खाएगा नहीं? हाँ सर, तो थोड़ा सा मजलेवा मच्छी है। एयरपोर्ट को कितना परसेंटेज दे देते हैं आप रेवेन्यू में? सर डिपेंड करते हैं एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, बट अगर एवरेज में पकड़े तो 28 से 30%। तो 30 लाख में से 9 लाख रूपए तो एयरपोर्ट के पास ही चला जाएगा। तो आपको नहीं लग रहा की बहुत बड़ा परसेंटेज तो खाली रेंट में ही चला जा रहा है बिजनेस का? सर वो तो है, but that is the cost we have to bear to build a brand before we come into malls. Mall mein jo consumer aata hai wo shayad gifting ke liye utna nahi aata hai, self consumption ke liye aata hai. Yes sir. 1800 ka price point na high hai, wo ek luxury brand mein fit hota hai. Yahan aapka jo click hua wo airport pe se ho, because airport pe बहुत you know, pressure होता है gifting का, तो वहाँ पे लोग दिमाग नहीं लगाते हैं price का, वो लोग 1800 है, मुझे घर कुछ लेके जाना है। इसका self consumption market और मुझे लगता है इसका digital scale करना मुश्किल है until आप brand establish कर लें। तो इस reason के लिए मेरे लिए अभी fit नहीं है, तो for reason I'm out, but very impressed by what you. Thank you ma'am. मैं विनीता से थोड़ा सहमत हूँ इस चीज पे। आपके ना प्रोडक्ट्स बहुत खूबसूरत है, मतलब ये बॉटल मैं अपने घर पे जरूर रखना चाहूंगी, पर ये बॉटल ना मुझे ये नहीं बताती कि किस ब्रांड का बॉटल है ये। कल को अगर आपका डिजाइन कोई और कॉपी कर लेता है तो ये इतना छोटा सा ब्रांड का नाम लिखा हुआ यहाँ पे, मुझे नहीं पता आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे, लोग आप का प्रोडक्ट पहचानेंगे या खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। तो मेरे वो कुछ डाउट्स हैं, उन रीजन से मैं आउट हूँ, आई एम सॉरी। मैं भी अपना डिसीजन बना चुका हूँ। एयरपोर्ट डिपेंडेंसी जो है ना, ये मेरे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव है अभी इसमें। थोड़ा सा बिजनेस में प्रूवन आ जाए कि रिटेल में भी चल सकता है और ऑनलाइन में भी ज्यादा चल सकता है, देन आई विल बी वेरी हैप्पी टू कम इनटू दिस बिजनेस, पर आज मैं बाहर हूँ। आउट। आपका 10% मार्जिन आज की तारीख में चल रहा है, लेकिन आपका जीएनए कॉस्ट कितना है? जो आपकी टीम है कॉर्पोरेट टीम कितनी बड़ी है? सिर्फ आप तो हो? नहीं सर, अराउंड 13 लोग हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस से कंट्रोल करते हैं। खर्चा कितना है सब मिला के विजय जी? 3 लाख। तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आपका खर्चा कम है इसलिए आपका 10% मार्जिन दिख रहा है।